एक साधारण आदिवासी किसान परिवार में जन्मे किसी को पता नहीं था कि आगे आने वाले दिनों में अपने काम तथा सामाजिक कार्यों की वजह से न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत में जाने तथा याद किए जाएंगे। 2007 में संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला, वही 2010 में राज्यसभा सांसद बनाए गए और फिर 2010 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं आदिवासी चिंतक सह साहित्यक पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की, जिनका जन्म 23 अगस्त 1939 को तमार की देवड़ी गांव में हुआ था। तब कोई नहीं जानता था आगे जाकर वह व्यक्ति अपने काम तथा समाज सेवा के माध्यम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय होंगे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा 1947 से 1953 तक अमलेसा लथुरन मिशन स्कूल तमार से प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा 1953 से 1957 तक कुटी हाई स्कूल से और रांची विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में एमए किया। इसके बाद उच्च शिक्षा एवं अध्ययन शोध के लिए शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए, जहां से उन्होंने भाषा विज्ञान में पीएचडी किया। फिर वहीं से उन्होंने दक्षिण एशियाई भाषा एवं संस्कृति विभाग में शोध एवं अध्ययन किया। शोध अध्ययन के बाद अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के साउथ एशियाई अध्ययन विभाग में 1981 तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाते रहे। 1982 में वे रांची लौट आए और तत्कालीन आयोग व रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की, जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आदिवासी भाषा साहित्य का पहला विभाग था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा भाषाविद, समाजशास्त्री, आदिवासी बुद्धिजीवी, साहित्यकार और आदिवासी कलाकार भी थे। उन्होंने मुंडारी, नागपुरी, पंचगर्निया, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक गीत कविताएं लिखी। इसके अलावा गात साहित्य भी रचा। झारखंड के आदिवासी लोक कला विशेषकर पाइका नाच को वैश्विक पहचान भी दिलाया। आदिवासी अधिकारों के आंदोलन में उन्होंने हमेशा शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, इसलिए अमेरिका से अध्यापक की नौकरी छोड़कर वे 1982 में रांची लौट आए। झारखंड आंदोलन पर उनकी 10 से अधिक पुस्तकें और 50 से अधिक निबंध प्रकाशित हैं। एक सफल शिक्षक के रूप में अपने काम के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए उन्होंने आजीवन अथक संघर्ष और अतुल्य योगदान दिया। 30 दिसंबर 2011 को अपनी अंतिम सांसें ली। रामदयाल मुंडा का जाना खासकर वंचित समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह जमीन से उठकर असाधारण मुकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि आदिवासी समाज में भी बुद्धिजीवी पैदा हो सकते हैं। तो आपको ये बायोग्राफी कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।